उस वेदांत को अनुभव करने के लिए संत मत की साधना आप सीख लें, क्योंकि आप तो सुन ही लिए कि आप कितना भी धर्म ग्रंथों को पढ़ लीजिए, लेकिन यमराज नचिकेता से कहते हैं कि यह जो ईश्वर का बोध है, ये जो ज्ञान है, उसकी जो प्राप्ति है, वह बाहर ग्रंथों के पढ़ने से या सुनने से उसकी प्राप्ति अनुभूति नहीं होती, होती है अनुभूति साधन करके। छोटो बढ़ो न घटी बढ़ी, आप ही सब प्रकाश, अकह मलूक अनादि हरि, साधन को विश्वास। साधना करने वाले को जो अनुभूति होती है तो ईश्वर के प्रति उसका विश्वास बढ़ते जाता है और अंततः ईश्वर मिल जाते हैं, इसका जीवन का कल्याण हो जाता है। तो संत सत्य को उपलब्ध किए हुए होते हैं, शांति को, मुक्ति को, ईश्वर को, और ईश्वर को प्राप्त करके स्वयं ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर सो जान ही जय देव जनाई, अजानत तुम्हें हो जाए। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजे भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजे। तो ऐसी अवस्था संत की होती है, इसीलिए नारद जी सनत कुमार से कहते हैं कि आप कृपा करके बताइए कि आप सुख के रहस्य को, शांति के मर्म को जानते हैं, क्योंकि आपने पा लिया, आपने संत हैं आप, कि संसार के लोग सुख शांति आनंद के लिए रात दिन प्रयत्न करते हैं, लेकिन उनको सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती, चाहे वो कितना भी कुछ कर ले, कितना भी कुछ कर लें, कितने भी ऊंचे से ऊंचे धन वैभव पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लें, लेकिन उनके जीवन में सुख शांति नहीं आती। तो सनत कुमार कहते हैं, धरती पर रहने वाले जीवों को छोड़ो, लब्धवे मानुषिम योनिम ज्ञान विज्ञान संभवम आत्मानम योन बुद्धे तन कुचित क्षणमा पुण्यात। ज्ञान विज्ञान की स्रोत स्वरूप इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो आत्मा के मर्म रहस्य को नहीं जाना, उसको उपलब्ध नहीं किया, न क्वचित क्षणमा पुण्यात, वो किसी भी लोक में चला जाए, सातहु स्वर्ग केर निवासी दिव्य देव सब अमित बिलासी, कोई न स्थिर सब ही बटू ही। किसी भी लोक लोकांतर की प्राप्ति वो कर ले, चाहे वो ब्रह्मलोक चले जाए, गोलोक चले जाए, वैकुंठ लोक चले जाए, बाकी नीचे के लोकों की बात छोड़ दीजिए, उसको कभी भी सुख शांति की, शाश्वत सुख शांति की अनुभूति नहीं हो सकती, उसके अंदर की अशांति नहीं मिट सकती, सनत कुमार कहते हैं। तो धरती के सम्राटों की या धरती की उपलब्धियों की बात को छोड़ दीजिए। तो कहा भरो भवत सुखम विद्यासह, अगर वो सुख बड़े से बड़े लोकों में जाकर के भी नहीं मिल सकता तो वह सुख का रहस्य क्या है, आप उस रहस्य को जानते हैं, नारद जी कह रहे हैं। तो सनत कुमार जी ने कहा, एवे भूमा तत् सुखम न अल्प सुखम अस्ति भूमा तवे भी जिगिष्यातव्य। हे नारद जी, भूमा सबको आधार देने वाला अनंत सत्ता है, जो अनंत सत्ता है उस अनंत को जान करके अनंत सुख, अनंत जिसका कभी अंत नहीं हो, उस अनंत को जो पाएगा उसी को कभी न खत्म होने वाला सुख शांति मिलेगी। और जिस संसार को तुम जानते हो, ये तो सीमित है, संसार ससीम है, ये उत्पत्ति और विनाशशील है, इसीलिए सीमाओं में रहने वाला उत्पत्ति विनाशशील स्वभाव वाला परमात्मा के द्वारा उत्पन्न ये संसार को पा करके कोई भी असीम अनंत और शाश्वत स्थिर सुख शांति को वो नहीं पा सकता है। इसलिए हे नारद जी, अगर असीम अनंत सुख शांति अगर तुम्हें चाहिए तो अनंत को जानो, वही अनंत जो है वही परमात्मा है। कहते हैं ना, जो परम तत्व आदि अंत रहित, आदि अंत रहित जो होगा वही
अनंत होगा, कहीं से शुरू नहीं, कहीं से खत्म। तो सुख शांति का वही एकमात्र उपाय है। महाभारत में महात्मा लेख का एक उपदेश है, जहाँ उनसे उन्हीं के भाई पूछते हैं, महात्मा लेख के भाई, कि आप हमें उपदेश कीजिए सुखी जीवन का। उन्हीं के भाई पूछते हैं, लेकिन सुखी जीवन का उपदेश कीजिए। तो वो उपदेश में क्या कहते हैं महात्मा लेख, कि यज दुर्गम संसर्गम, पहली बात सुखी जीवन की पहली शर्त, अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो पहली शर्त क्या है, त्यज दुर्जन संसर्गम, दुर्जनों के संग का त्याग कीजिए, भज साधु समागम। किसका संग करना है, साधु संग, दुर्जन का त्याग करें तो ईश्वर की कृपा आपको होगी, साधु संग आपको मिलेगा। गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो इसे। तो गावहि वेद पुराण, बिना परमात्मा की कृपा के साधु समागम नहीं मिलता, लेकिन परमात्मा की कृपा कब होती है, कहते कि जब आप दुर्जन संग त्यागते हैं। तो दुर्जनों के संग से बचिए, तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है उनका संग आपको छोड़ना होगा, सुखी जीवन की पहली शर्त। जिनके संग कुमति उपजत है, जिनके संग आपकी बुद्धि खराब होती हो, जिनके संग से आपकी बुद्धि भ्रष्ट होती हो, जिनके संग से आपका विवेक मरता हो, अर्थात आपके अंदर पाप वृत्ति जिनके संग से पड़ जाती हो, वही ना दुर्जन है। जो हमारे अंदर पाप वृत्ति को बढ़ाए, जिनके संग से हमारी बुद्धि संसार के पदार्थों को महत्ता देती हो, जिसके संग से हमारे अंदर झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार मांस मछली अंडा नशा आदि की प्रवृत्ति बढ़ती हो, ये दुर्जन होते हैं। सज्जन कौन है, साधु कौन, महर्षि पाणिनि जिन्होंने संस्कृत के व्याकरण की रचना की भगवान शिव को प्रसन्न करके, वो महर्षि पाणिनि लिखते हैं सत्व प्रधाना साधु, जिसमें सतोगुण की प्रधानता होती है। सतोगुण वाला व्यक्ति कैसा होगा, दैवी संपदा वाला, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार और इन तमाम वस्तुओं को त्यागने वाला होगा। जो अभक्ष हैं, जिनको जिन वस्तुओं के खाने पीने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती हो, हमारी सोच में विकृति आती हो, हमारे संस्कार में मलिनता आती हो, ऐसे किसी भी वस्तु का वो जीवन में कभी भक्षण नहीं करते, सदाचार में दृढ़ रहते हों, ईश्वर भक्ति पर भरोसा रखते हैं और ईश्वर की भक्ति नियम से करते हैं, ऐसे लोगों को महर्षि पाणिनि ने कहा सतोगुणी साधु कहलाते हैं। वे साधु गृहस्थ भेष में भी होते हैं और वे साधु हम लोगों की तरह भयंकर विरक्त भेष में भी होते हैं। तो गृहस्थ और विरक्त दोनों जगह होंगे, लेकिन संग किनका करना है, सतोगुण प्रधान लोगों का, राजसी और तामसी लोगों का नहीं। तो कहते हैं सुख खोज रहे हो, हे भाई अगर सुख की खोज में हो, शांति की खोज में हो, आनंद की खोज में हो, चाहते हो जीवन हमारा दुख मुक्त हो, तो आपको क्या करना होगा, हरि विमुखन का संग त्यागना होगा, दुर्जनों का दुष्ट का संग का त्याग करो, साधु संग करो। कु पुण्य महोरात्रम, और अगर करना हो तो सत्कर्म करना, पुण्य करना। पुण्य कर्म मतलब किसी की मदद करना, किसी की भलाई करना,
गुरु महाराज जी ने सत्संग योग के चौथे भाग में लिखा है, साधक को सत्कर्मी होकर के साधन भजन करना चाहिए। सत्कर्मी मतलब सदाचारी के साथ साथ परोपकारी जीवन भी आपका होना चाहिए। सदाचारी और परोपकारी, गुरु महाराज के आदेश दिए तो करना, तो परोपकार करना किसी दुखियों की, दुख दिन दुखी की दुख को दूर करने में परोपकार करना, देखना कभी करके शांति की अनुभूति होती है कि नहीं, सुख मिलता है कि नहीं, देखना कभी करके। तो पहली शर्त है दुष्ट के संग का त्याग करो, दूसरी शर्त है साधु का संग करना, सत्संग करना, और तीसरी शर्त क्या है कि अगर हो सके, ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है तो सामर्थ्यानुसार क्या करो, पुण्य कर्म करना, सत्कर्म करना, सहयोग करना दिन दुखियों की। और चौथी शर्त क्या है सुखी जीवन का, स्मरण नित्य, नित्यतः नियमित रूप से जो शाश्वत सनातन नित्य रहने वाली सत्ता है जिसको ब्रह्म ईश्वर कहते हैं, उसका भजन करना, ध्यान करना नियमित रूप से। और यही चार बातें तो संत मत में बताई जाती है। जो महर्षि लेख ने अपने भाई को महाभारत में उपदेश किया, यही उपदेश तो हम लोग के गुरु महाराज ने संत मत सत्संग के नाम से प्रचारित किया कि सत्कर्मी बनिए, सत्संग कीजिए, दुर्जन संग से बचिए और नियमित ध्यान सत्संग कीजिए। ये सुख का मार्ग है, नित्य नित्यतः नित्य काम। तो नित्य कौन है, सदा रहने वाला कौन है, ईश्वर। प्रकृति तो बनती और बिगड़ती है, प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मोह से। तो नो नेचर, प्रकृति को जानो, ये उत्पन्न हुई है एक दिन नष्ट हो जाएगी, इसलिए बी नेचुरल। बी नेचुरल का अर्थ होता है जो स्वभाव में आ जाओ, संसार जमा करने के पीछे स्वभाव में स्थिर होने के लिए जो ध्यान साधना है उसको मत छोड़ो, क्योंकि संसार नेचर नेवर परमिट्स टू कैरी। इस संसार के एक भी उपलब्धि तुम लेके नहीं जा सकोगे, ना ही संसार की उपलब्धियाँ तुम्हें वो शांति दे सकेगी जिसकी प्रेरणा तुम्हारे अंदर में है, जिसकी खोज है तुम्हारे। तो क्या करो, सत्य की खोज करो, सत्य की खोज करो। बात समझ में आती है आप लोगों? ध्यान से सुनिएगा तो समझ जाइएगा। संत मत का थोड़ा गूढ़ ज्ञान है, बीमारी भी तो भयंकर है आवागमन का, तो दवाई थोड़ा समझाना ही पड़ेगा, गंभीर बात है, थोड़ा समझिएगा ध्यान से।